अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीज़ रहमान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अजीज़ रहमान। सबसे पहले तो दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों को मेरी फर्नीचर की वीडियोस इन फ्यूचर में चाहिए, फर्नीचर में को बाय करना चाहते हैं या फर्नीचर के बारे में को अपडेट रहना चाहते हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपके पास जो हम अपडेट करें और नई वीडियोस आप तैयार करें फर्नीचर की तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। तो आज मैं जिस चीज़ का रिव्यू लेके आया हूँ, हस्ब वादा और हस्ब ख्वाहिश आप लोगों की, वो दीवान है। और दीवान आप बिल्कुल सही समझे, मैं जिस चीज़ पर बैठा हूँ वो दीवान पर ही बैठा हुआ हूँ। और ये जो दीवान है ये हर रूम की ज़रूरत है, हर घर में रखे जाने वाली आइटम है। रूम में रखा जा सकता है, लिविंग रूम में रखा जा सकता है, ड्राइंग रूम में भी रखें तो उसकी सोफ़ा सेट के साथ अगर कंट्रास्ट करके रखें तो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। और बैठने में भी ये कंफर्टेबल भी है, खूबसूरत भी दिखाई देता है। तो चलें, दीवान के बारे में तो बहुत सी बातें हो गई, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, इसकी वीडियो दिखाता हूँ और साथ में इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम यहाँ जो दीवान बना रहे हैं और ये स्पेशली जो स्टाइल है इसमें कहीं भी कोई MDF चिप बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। ये प्योर वुड में इस्तेमाल, रोज़ वुड इसमें यूज़ होती है फॉर मैनुफैक्चरिंग, और जिसको हम यहाँ पे पंजाबी में टाली भी कहते हैं और इसको उर्दू में शीशम भी कहते हैं। टोटल शीशम में बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत इस पे पेंट किया हुआ है। अगर आप ये करीब से कैमरे में अगर देखें, आप वीडियो में देखें तो इसका जो आरम है उसको बड़ा खूबसूरती से हैंड कार्व करके और पीस लगाया गया है, जो टोटल जो फाइबर में नहीं है, वुडन है, ठीक है। और उसके ऊपर बहुत खूबसूरत गोल्ड एंटीक पेंट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमने फैब्रिक को क्या किया है, फैब्रिक हमने इस पर बहुत ही आला लगाया और फैब्रिक का भी हमने चूंकि गोल्ड हमने पेंट किया है तो उससे कंट्रास्ट हमने फैब्रिक यूज़ किया है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत हाई है, ये अगर आप 10 साल भी यूज़ करेंगे तो वेयर टेयर और घिसने का फटने का कोई चांस नहीं होगा इसका। बैक साइड देखें, बैक साइड में ये जो दीवान डिज़ाइन हुआ है, बैक साइड पर गोल ऑलमोस्ट गोल एक सर्कल है जिसमें कुशन दी गई है, जिसकी वजह से ये जो दीवान है इसके डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। अच्छा, ये अभी इसमें दोनों साइड्स पे कुशन्स इसमें नहीं अभी हमने रखे हुए, जब इस पे कुशन रखेंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। तो वुडन है और फोम की अगर बात करें तो फोम जो है मल्टी फोम यूज़ किया है सीट में और बैक साइड पर भी। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो कि आप को ये दीवान पसंद है और आप चाहते हैं कि इसका आपके रूम की इंटीरियर के हिसाब से हम इस पर फैब्रिक लगाएं और हम इसको कलर करें, बिल्कुल पॉसिबल है। आप अगर इसे ऑर्डर करते हो और फैब्रिक आप चाहते हो कि मैरून यूज़ हो या समथिंग ऐसा स्टफ़ यूज़ हो और ऐसा पैटर्न हो जो आपके जो रूम ऑलरेडी आपने इंटीरियर किया हुआ है या कर्टन आपने जो लगाया हुआ है उससे कोई मैचिंग फैब्रिक हो या कारपेट से मैचिंग कोई कुशन्स वगैरह रखवाना चाहते हो तो बिल्कुल इसमें अल्ट्रेशन हो सकती है, हम इसको कस्टमाइज करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने फिर आज हमारी जो वीडियो थी इसमें दीवान का रिव्यू देखा, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। लास्ट में फिर एक दफ़ा मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो जिन लोगों को फर्नीचर में इंटरेस्ट है और जो लोग फ्यूचर में चाहते हैं कि मैं फर्नीचर के हवाले से नई वीडियोस और नया जो स्टफ़ है आपको मुतारफ़ कराता रहूं, तो वो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई जैसे ही नई वीडियो फर्नीचर से मुतल्लिक डालूँगा तो आपको फ़ौरन मिल जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।